हाय फ्रेंड्स, ऑस्कर 2023 का फुल विनर लिस्ट इस वीडियो में लेकर के आए हैं। 95th ऑस्कर अवार्ड्स 2023 एंड इंडियन ऑस्कर्स जो अभी तक मिले हैं, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है और इस अवार्ड को AMPAS के द्वारा दिया जाता है, मतलब एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस का फॉर्मेशन हुआ था 1927 में, 11 मई 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड हेडक्वार्टर है बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस का। ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत हुआ था 16 मई 1929 में। कब हुआ था? 16 मई 1929 में। और यह सर्वप्रथम आयोजित किया गया था रूजवेल्ट होटल लॉस एंजलस कैलिफोर्निया में। कहाँ पे किया गया था? रूजवेल्ट होटल लॉस एंजलस कैलिफोर्निया यूएसए में किया गया था। और इस बार का आयोजन किया गया 2023 में लॉस एंजलस के डॉल्बी थिएटर कैलिफोर्निया यूएसए में किया गया। एनहोस्टेड बाय जिमी किमेल। मोस्ट अवार्ड्स जो इस बार रहा है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म से रहा है टोटल 7, एंड मोस्ट नॉमिनेशन भी इसी फिल्म से था टोटल 11। टोटल 24 कैटेगरीज में यह अवार्ड को दिया जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बार 2 इंडियन ऑस्कर मिला है नाटू नाटू सॉन्ग्स फ्रॉम RRR मूवी से बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है, एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। नाटू नाटू सॉन्ग्स जो कि RRR मूवी से है, इसका म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर हैं MM किरवानी एंड चंद्र बोस। RRR मूवी जो कि साउथ इंडियन मूवी है और इसका डायरेक्टर है SS राजामौली। RRR मूवी 25 मार्च 2022 तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुआ था। 182 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है इस फिल्म का, यानी कि 3 hours and 2 minutes का ड्यूरेशन है इस फिल्म का। नाटू नाटू सॉन्ग्स बहुत ही मस्त है एंड इसका डांस भी बहुत ज़बरदस्त है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड्स दिया गया इस बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एलिफेंट विस्पर्स। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया इस बार? द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया। और इस फिल्म का, शॉर्ट फिल्म का जो डायरेक्टर हैं कौन है? कार्तिकी गोंसाल्वेस हैं, कार्तिकी गोंसाल्वेस एंड गुनीत मोंगा प्रोड्यूसर हैं। 8 दिसंबर 2022 को यह शॉर्ट फिल्म रिलीज हुआ था। 39 मिनट का ड्यूरेशन है इस फिल्म का, जो कि तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुआ था। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है इस बार? बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, जो कि द वेल फिल्म से हैं। द वेल फिल्म का डायरेक्टर हैं डेरेन अरोनॉफ्स्की। कौन है? डेरेन अरोनॉफ्स्की है द वेल फिल्म का डायरेक्टर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया इस बार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVI सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इस बार जो दिया गया है, मिशेल योह को दिया गया है। किसे दिया गया है? मिशेल योह को दिया गया है। और किस फिल्म से हैं ये? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म से हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? डैनियल क्वान एंड डैनियल सिनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे बेस्ट, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड, यानी कि बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल का अवार्ड किसे मिला है इस बार? के वे क्वान को मिला है। के वे क्वान किस फिल्म से हैं? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म से हैं। एंड नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है किसे इस बार मिला है? जेमिली कर्टिस को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये भी, जेमिली कर्टिस को बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड मिला। और ये किस फिल्म से हैं? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म से हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म से टोटल 7 अवार्ड्स इस बार मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड, बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है इस बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और इस फिल्म का जो डायरेक्टर हैं, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फिल्म का डायरेक्टर कौन है? एडवर्ड बर्गर। और यह जो जर्मनी कंट्री के हैं, और इस फिल्म को जर्मन लैंग्वेज में रिलीज किया गया था।
एंड नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इस बार किसे दिया गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को दिया गया है। और इस फिल्म को 11 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। टोटल ड्यूरेशन जो इस फिल्म का है 139 मिनट्स है, यानी कि 2 घंटा 19 मिनट, 2 आवर एंड 19 मिनट्स का। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया इस बार? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड बेस्ट फिल्म एडिटिंग एंड बेस्ट राइटिंग ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए भी किस फिल्म को दिया गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया इस बार? नवलिनी को दिया गया है। नवलिनी का डायरेक्टर कौन है? डैनियल रोअर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड इस बार मिला है पिनोचियो को। किसे मिला है? पिनोचियो को मिला है। और पिनोचियो फिल्म का डायरेक्टर कौन है? गुलेर्मो डेल टोरो। कौन है? गुलेर्मो डेल टोरो हैं। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड मिला है इस बार ब्लैक पैंथर को। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिए मिला है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड मिला है। एंड ब्लैक पैंथर का जो डायरेक्टर हैं कौन है? रियान कुगलर हैं, सो इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। एंड एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इस बार द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। वाओ, द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स को मिला है। टोटल 34 मिनट्स का ड्यूरेशन का इस शॉर्ट फिल्म का ड्यूरेशन है 34 मिनट्स। द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स फिल्म का डायरेक्टर कौन है? पीटर बेंटन चार्ली मैक्सी। पीटर बेंटन चार्ली मैक्सी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ विजुअल अवार्ड जो मिला है इस बार अवतार मूवी को मिला है, अवतार द वे ऑफ वाटर। अवतार द वे ऑफ वाटर को मिला है सर्वश्रेष्ठ विजुअल अवार्ड, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड मिला है। और यह फिल्म जो है, यह मूवी जो है 192 मिनट्स का है, यानी कि 3 आवर एंड 12 मिनट्स का। इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2022 को। इंडिया में कब हुआ था? 16 दिसंबर 2022 को, 22 को हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना कि बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड मिला है किस फिल्म को? मिला है अवतार मूवी को मिला है, याद रखिएगा। और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? जेम्स कैमरॉन है। नेक्स्ट, बेस्ट साउंड का अवार्ड जो मिला है टॉप गन मैवरिक को मिला है। और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? जोसेफ कोसिंस्की है। बेस्ट साउंड का अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको भी, टॉप गन मैवरिक को मिला है। और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? जोसेफ कोसिंस्की है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है इस बार? एन आयरिश गुडबाय को मिला है, याद रखिएगा इसे। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? एन आयरिश गुडबाय को मिला है। और इस फिल्म का डायरेक्टर है टॉम बर्कले रोसवाइट। और यह फिल्म जो है यूके आयरलैंड का है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट राइटिंग एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए, बेस्ट राइटिंग एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए जो इस बार मिला है किसे मिला है? वुमेन टॉकिंग को मिला है। वुमेन टॉकिंग का जो डायरेक्टर हैं कौन है? सारा पुले। सारा पुले जो है वुमेन टॉकिंग का डायरेक्टर हैं। एंड बेस्ट राइटिंग जो कि बता चुके हैं ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को मिला है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस बार जो मिला है डायरेक्टर्स अवार्ड, डैनियल क्वान एंड डैनियल सिनेट को मिला है। किस फिल्म से है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना इसे। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला है डैनियल क्वान एंड डैनियल सिनेट को। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इंडियन ऑस्कर्स जो अभी तक मिले हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड मिला है 1983 में भानु अथैया को। किसे मिला था? भानु अथैया फॉर गांधी के लिए। नेक्स्ट, ऑनरी अवार्ड जो कि 1992 में मिला था सत्यजीत रे को। ऑनरी अवार्ड किसे मिला था 1992 में? सत्यजीत रे को मिला था। बेस्ट साउंड मिक्सिंग 2009 में किसे मिला था? रिजल पुकोटी को मिला था, स्लम डॉग मिलियनियर के लिए मिला था। किसे मिला था? रिजल पुकोटी को। बेस्ट साउंड मिक्सिंग का 2009 में अवार्ड मिला था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2009 में जो मिला था 81st एकेडमिक अवार्ड्स में मिला था A.R. रहमान फॉर जय हो के लिए। 2 times मिला था इसे ऑस्कर अवार्ड्स, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला था
इन्हें याद रखिएगा इसे। एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटू नाटू सॉन्ग्स फ्रॉम RRR। और इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं कौन है, SS राजामौली। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड 2023 इस बार जो मिला है द एलिफेंट विस्पर्स, जिसका डायरेक्टर है कार्तिकी गोंसाल्वेस। कौन है? कार्तिकी गोंसाल्वेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।